जैन दोस्त, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे, वर्ल्ड कैच YouTube चैनल पे। दोस्तों अभी हम कोलकाता के धर्मतला मैदान पे हैं और यहाँ पे मैं थोड़ा काम से आया था तो मैं सोचा कि आप लोग के लिए कुछ मैं वीडियो बना दूँ, इसलिए आप देख सकते हैं। ऐसे तो आज वेदर बहुत ही ख़राब है, आप वेदर देख सकते हैं, बादल पूरा क्लाउडी हुआ है मौसम, पूरा आकाश में बादल है। और इधर में आपका ये रेड रोड का गाड़ी, जो बस वगैरह इधर से इस रोड से आती जाती है, आप देख सकते हैं। और ठीक मेरे पीछे देखिए आपका ये जो बड़ी सी बिल्डिंग है, इसको सब कोई 42 के नाम से जानता है। वैसे इस बिल्डिंग का नाम 42 नहीं है, और जो मतलब जो जिस जगह पे बिल्डिंग है उस एड्रेस, वो जो एड्रेस पड़ता है वो 42 एड्रेस है, इसलिए इसको सब कोई 42 के नाम से जानता है। और ठीक उसके बगल में आप जो देख रहे हैं वो छोटा वाला, वो आपका टाटा स्टील का ऑफिस है, वो पूरा बिल्डिंग में टाटा स्टील का खुद का अपना ऑफिस है। और उसके बगल में जो 42 के बगल में जो और एक छोटी वाली बिल्डिंग है वो LIC का बड़ा ऑफिस है। और यहाँ से देखिए आपको विक्टोरिया मेमोरियल का व्यू नज़र आता होगा, क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर है इसलिए थोड़ा छोटी दिख रही है। अभी हम लोग उस तरफ चलेंगे तो अच्छे से उधर हम लोग देखेंगे। और बाकी यही है धर्मतला मैदान, आप देख सकते हैं सबको यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ठीक मेरे पीछे कुछ पेड़ वगैरह है, गाड़ी पार्किंग करने की कुछ जगह है यहाँ पे, और मैदान में घास भी है। गर्मी के दिन में क्या होती है कि यहाँ पे जो धूप की वजह से जो घास होती है और जल जाती है तो पूरा मैदान टाइप पे हो जाता है, धूल उड़ती है। लेकिन अभी विंटर का मौसम है, ठंडा का मौसम है, तो यहाँ पे अभी घास है, इसलिए यहाँ पे चलने में भी बैठने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी तो आस्ते आस्ते अब पतझड़ का मौसम आ रहा है, तो पीछे देखिए कुछ पेड़ वगैरह है जिनके पत्ते भी अभी झड़ने स्टार्ट हो गए हैं, आप देख ही सकते हैं। और आगे चलते हैं फिर। दोस्तों देखिए ये हमारे यहाँ फोर्ट विलियम का, हमारे फौजी भाई का जो कैंप है उसका यहाँ पे मेन गेट दिख रहा है। यहाँ पे फौज लोग का कैंप है, जो फौज हमारे देश का शान है, जो सुपर हीरो है, हम इन्हें सुपर हीरो के नाम से भी जानते हैं, जो देश के लिए अपनी जान भी दे देते हैं, उनका ये कैंप है। सामने मेन गेट है ये, और ये पूरा बाउंड्री उसी कैंप का है। और उसके बगल से अभी हम ये जो चल रहे हैं दोस्तों, ये कोई ट्रेन की पटरी नहीं है, ये ट्राम की पटरी है दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि कोलकाता में ट्राम चलता है, तो ट्राम की जो पटरी होती है बिल्कुल ट्रेन की पटरी की जैसी होती है। दरअसल बात क्या होता है कि ये जो ट्राम है ये रोड पर भी चलती है। तो अगर आप जैसे MG रोड जाएं कोलकाता में, या बहुत सारे ऐसे रोड है जहाँ पे जाएंगे, तो ये जो पटरी है ये पटरी आपको रोड पे दिखेगी यहाँ पे। लेकिन धर्मतला मैदान के पास जगह ज़्यादा है इसलिए रोड को अलग कर दिया गया है और इस पटरी को अलग कर दिया गया है। लेकिन ये थोड़ी भीड़ भाड़ जगह में जाएगी तो रोड और ये पटरी दोनों एक ही पे आ जाती है, तभी आप देख सकते हैं। और दोस्तों धर्मतला मैदान के पास में देख सकते हैं ये जो पुलिस है यहाँ घोड़े पे अपनी ड्यूटी को पूरा करती है, घोड़ा से ये लोग अपनी पेट्रोलिंग करते हैं यहाँ धर्मतला मैदान के आसपास में, आप देख ही सकते हैं। और दरअसल मैं बात कर रहा था ट्राम के बारे में, तो ऊपर में देख सकते हैं अभी क्या है दोस्तों कि इस लाइन पे अभी कोई ट्राम नहीं आती है, बंद हो गई है, यहाँ पे नहीं आती है। और ये ट्राम की OHE का पोल है, देख सकते हैं इसके ऊपर वायर भी नहीं है, ट्राम आना जाना बंद कर दिया है, इसलिए देख सकते हैं पूरा, आप देख ही सकते हैं। दोस्तों हम लोग विक्टोरिया मेमोरियल की तरफ जा रहे थे, लेकिन अचानक बारिश स्टार्ट हो जाने की वजह से हम लोग विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर एंट्री नहीं किए, क्योंकि अंदर जाने का मतलब बहुत ऐसे सारी चीज़ें जो आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, और बारिश स्टार्ट होने की वजह से उतना जल्दी हो नहीं पाता। इसलिए दोस्तों आगे आने वाली वीडियो में मैं अलग से एक विक्टोरिया मेमोरियल के ऊपर वीडियो बनाऊंगा जो आप लोग को दिखाऊंगा। तो अभी मैं धर्मतला मैदान के पास में ही हूं, तो और भी कुछ है जो इसके आसपास में मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों यही सब है, देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर घोड़ा का रथ है, यहाँ पर 500 रुपया लगता है, अगर एक बार आप चढ़ेंगे तो इस पर 500 रुपया लगेगा। और धर्मतला मैदान के साइड में ये आपको सैर करवाएंगे, बहुत सारा क्लाइंट से लगा हुआ है, आप लोग कभी घूमने आए तो इस पर ज़रूर चढ़ें। दोस्तों अभी देखिएगा एक सामने से एक घोड़ा वाली रथ आ रही है,
आप देख सकते होंगे अभी दूर पे, इसलिए आपको छोटी सी दिखती होगी। अभी सामने आएगी तो आप देख पाएंगे, आपको दिखती होगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और लेकर।